अब उसने देखा कि ये तो दो और आ गए सर पर, तो बिना किए कैसे रहेंगे, तो उसने उन दोनों को काम में लगा दिया। बड़े को तो लगा दिया अपने घर का कोई काम करने के लिए, और छोटे को लगा दिया पशु चराने के लिए। उसके घर में पशु थे, एक दो गाय रही होंगी, एक घोड़ी थी बताते हैं, ऐसे वो चराने के लिए चलाया जाता। लेकिन उस छोटे बच्चे की लगन थी पढ़ने की, वो अपने बहन से रोने लगा कि बहन मैं पढ़ना चाहता। उसने वो भी चाहती थी उसे पढ़ाना, लेकिन क्या करे। उसने कहा अच्छा तू स्कूल में जाया कर। उसके पति से उसने कहा, अपने पति से, इसको स्कूल जाने का बड़ा शौक है पढ़ने का, कहा पढ़कर क्या है कलेक्टर बनेगा क्या करेगा। अरे पढ़ेगा तभी से यही काम करना है, नहीं तभी यही काम करना है तो पढ़कर क्यों समय खराब करे। अरे कहा 5 साल का बच्चा है, 2-4 साल जाने दो पढ़ लेते तो अच्छा ही है, कुछ भी करे। लेकिन उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ काम के बाद जो समय मिले उसमें पढ़ता रहे, हम इसको कुछ नहीं करते। 5 साल का बच्चा लेकिन उसको पढ़ने की लगन, अगल बगल अलोट पर उसमें जो बच्चे पढ़ते थे उनके साथ बैठ जाता था, पढ़ने लगता था। सवेरे कभी समय निकाल करके स्कूल चला जाता था, तो धीरे धीरे वो पढ़ने लगा। एक दो पुस्तकें पढ़ी, एक उसी मोहल्ले में व्यक्ति रहता था, उसने देखा उसको दया आई, उसने उसके भानोई से कहा कि यार ये तुम्हारा साला है, सबके ऊपर एक साथ समय नहीं आता है, इसके माँ बाप मर गए तुम्हारे घर रहता है, कम से कम इतना तुम करो, इसके पढ़ने के शौक है 2-4 वर्ष पढ़ाता हूँ। 5 साल का बच्चा ये तुम्हारे पशु लेकर बाहर जाता है, दिन भर उनके पीछे घूमता रहता है, शर्म आती है। खैर पड़ोसी कहने लगा तो उसको चलो ठीक है, तो कहा कि अच्छा तुम जा करके सवेरे से दोपहर तक पढ़ाया करो, दोपहर के बाद पशु चराया करो। उसको सांस मिला चलो ठीक। वो बच्चा सवेरे से दोपहर तक पढ़ता था, दोपहर के बाद आकर पशु चराता। दोपहर तक पढ़ते पढ़ते उसने यानी उसका कक्षा में जब इम्तिहान हुआ तो फर्स्ट आया, दूसरे में इम्तिहान हुआ फर्स्ट आया, तीसरे में इम्तिहान हुआ फर्स्ट आया। फिर वो जो मास्टर था उसने देखा कि लड़का बड़ा होशियार है, उसने कहा कि बेटे तुम रात में मेरे पास आकर पढ़ लिया करो, और हम चाहते हैं कि तुम 5वीं का इम्तिहान दे दो तीसरी के बाद, बड़ी अच्छी बात। उसने कहा ठीक है। तो दोपहर तक पढ़ता, बाद में गोरू चराता, उसके बाद में रात में जब सब वो हो जाते तो वो जाता मास्टर के यहाँ, मास्टर उसे पढ़ाता, 5वीं का इम्तिहान दिलाया, 5वीं में फर्स्ट आए। अब मास्टर को यह हुआ कि इसको तो पढ़ाना चाहिए लड़के को, और उसने कहा उसके बनोई से भाई लड़का बड़ा होनहार है इसको तुम पढ़ाओ। उसने कहा मैं तो पढ़ा नहीं सकता, आपको यदि इतनी दया आती हो तो आप पढ़ा दो इसे। उसने कहा पढ़ा तो मैं दूंगा, लेकिन रहेगा तुम्हारे घर, तो मेरे यहां रहेगा तो मेरे यहां काम करना पड़ेगा, बिना काम किए रह नहीं सकता। कहा कोई बात नहीं। उस लड़के से कहा कि बेटे तुम जैसे अभी रह रहे हो ऐसे तुम रहो, दोपहर के बाद मेरे पास आ जाया करो, यानी जब शाम को, और हम तुम्हें पढ़ा दिया करेंगे, बड़ी अच्छी बात। अब वो सोचने लगा कि कोई ऐसा उपाय करें जिससे इस लड़के को थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसे काम भी ज्यादा लेने लगा, लड़का भी उब गया क्या करे। मास्टर ने उससे कहा कि बेटे तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने से छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकता है, बताइए तुम्हें कर। देखिए मास्टर ने उससे छोटे बच्चे दे दिए पढ़ाने के लिए कि इनको तू पढ़ा दिया कर 2 घंटे। 2 घंटे वो पढ़ाने लगा, और 2 घंटे उनको पढ़ा करके वो लड़का यानी 6ठी 7वीं नहीं किया, 5वीं के बाद 8वीं का इम्तिहान दिया, और 8वीं में वो फर्स्ट आया पंजाब। अब देखिए भाग्य खास कहा जाता, 8वीं में फर्स्ट आया, 8वीं में फर्स्ट आया तो मास्टर ने उसे कहा कि अब तुम्हें न उसके घर रहने की जरूरत है, न तो उसके पशु चराने की जरूरत है, अब तुम मेरे पास रहा करो। अब 8वीं करने के पश्चात उसे ट्यूशन लगा दिया और अपने घर रख लिया, वो ट्यूशन पढ़ा लिया करता था और
अपने घर रहता था, उसके यहाँ वो पढ़ता था। उसके बाद उसने मैट्रिक की और मैट्रिक में वो फर्स्ट आया पंजाब में, और उसके बाद उसको सर्विस मिल गई एज ए कलर्क। कलर्क बन गया, कलर्क बन गया। कलर्क बनने के पश्चात अब उसकी पढ़ने की लगन थी, उसका अलग कलर्क तो था नहीं, तो अब वहां पर कलर्क होकर के भी पढ़ाई करना शुरू किया धीरे धीरे, और हर एक क्लास में वो फर्स्ट आता रहा। बीए किया, बीए करने के बाद फिर उसने एलएलबी किया। एलएलबी करने के पश्चात वो बैठ गया यानी उसमें क्या बोलते हैं उसे आईसीएस सर्विस कमीशन बैठ गया, और बैठ गया उसमें सिलेक्ट हो गया। आप देखिए उस बच्चे का, और वही उसका वो यानी जो भनोई था जो उसको कहा करता था कि कौन कलेक्टर बनने वाला है, पढ़कर क्या करेगा, उस लड़के ने उस अवस्था से अपने आप को उठा करके धीरे धीरे किस अवस्था में ले आया, वो आईसीएस में सेलेक्ट हो गया, और उसमें फिर वो चला गया इसमें इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बना। उसके बाद में अब वो रिटायर हुआ है एज ए कमिश्नर एंड इनकम टैक्स की हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच करके। और वो जब अपनी स्टोरी सुनाने लगता था कुछ दिनों जब वो था, तो मुझे हैरानी होती थी कि एक बच्चा किस ढंग से, जिसका कोई सहयोगी नहीं यानी कोई संभालने वाला नहीं, जिसको खाने का भी ठिकाना नहीं था, वो व्यक्ति किस ढंग से विकास करता हुआ इतने ऊंचे पहुंचा। और उस व्यक्ति को अब भी अपनी वो बच्चेपन वाली बात भूलती नहीं, याद रहती है। तो मेरे कहने के प्राय कि यदि व्यक्ति को किसी एक ग्रेड में डाल दिया जाए, वही जहां है जैसे हुआ वैसे रहेगा, फिर उससे उसके विकास का कहीं स्कोप ही नहीं होगा। लेकिन हिंदू फिलोसफी में, भगवत गीता में, हिंदू धर्म में मैं कह सकता हूं दावे के साथ, कहीं भी व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबंध नहीं लगा है, उसके विकास की पूरी सुविधा है, पूरी छूट है। लेकिन दुर्भाग्य ये कुछ शताब्दियों से वर्ण का स्थान जाति ने ले लिया, और जातिवाद ने व्यक्ति के विकास पर बैरियर लगा दिया। आप जरा सोचिए, मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा कल एक, किस प्रकार से एक सबसे नीच जाति का व्यक्ति किस प्रकार से भारत का एक महान संत बना, महान संत, और उसकी इस समय ख्याति सबसे नीच जाति का व्यक्ति, केवल अपने पुरुषार्थ। भारत में, लेकिन यदि ये भी मैं बताऊं, यदि जाति अभिमानियों का चला होता तो उस लेवल पर ना पहुंच पाता हूं, ना बिल्कुल नहीं पहुंचा। लेकिन जाता अभिमानी यानी ब्राह्मणों का जिसका प्रभुत्व था, इनका कुछ नहीं चला, और उसने अपनी साधना, अपनी योग्यता से, अपनी अध्ययन से भारत का एक महान विद्वान बना और महान संत बना। और उसने इतना बड़ा काम किया है दक्षिण भारत में, इतना बड़ा काम किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसने केवल अपना ही उद्धार नहीं किया, पूरी अपनी जाति को, जिस जाति को लोग कल तक नीच मानते थे, छूते नहीं थे, इड़वा जाति एक होती है दक्षिण भारत में, सुना होगा तुम लोगों ने, आज उस जाति के आपको हजारों नहीं लाखों लोग मिलेंगे हाईली क्वालिफाइड, जो कि आज से यानी मेरे विचार से 30-40 वर्ष पहले तक, 50 वर्ष पहले का कोई उनमें आपको पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। और आज उस जाति में एक दो नहीं लाखों आदमी, और उस जाति का अपना अलग विश्वविद्यालय है, उस जाति का अलग अपना मेडिकल कॉलेज है, उस जाति का अपना अलग इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस जाति का अपना अलग हर एक प्रकार का कॉलेज आपको मिलेगा केरल में। और उस एक व्यक्ति के नाते एक व्यक्ति ने किस ढंग से अपने आप को विकसित किया, और सारे बैरियर तोड़ करके सरकार ने उसका साथ दिया, एक महात्मा महापुरुष थे उन्होंने उसका साथ दिया,
उसको प्रोत्साहित किया और वो खड़ा हो गया। बहुत बड़ा काम किया है इन दिनों में, इतना बड़ा काम कोई करने वाला दूसरा नहीं दिखाई दिया, उसे एक व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जहां तक गुण और कर्मानुसार वर्ग का विभाजन है वो तो सर्वमान्य, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन वर्ग को जाति मान लेना और जाति मानकर उस पर बैरियर लगा देना, ये तो मानवता की हत्या है मेरे विचार से। ये मनुष्यता नहीं, मनुष्यता की हत्या है। और मैं तो कहा करता हूं कि ये महापाप मनुष्यता की हत्या का हिंदू जाति कई शताब्दियों से कर दिया है, और उसी पाप का परिणाम ये भोग रही थी, अब भोगती आई, और जब तक ये पाप होता रहेगा तब तक इस जाति का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। कि बात याद रखना, ना कभी नहीं, जब तक ये जाति मनुष्यता की हत्या करती रहेगी तब तक मनुष्य की हत्या नहीं करती, ना प्योर अपना हिंसक है, मनुष्य की हत्या नहीं करती, लेकिन मनुष्यता की हत्या में हमने कसर नहीं रखी। मैं तो भारत में भी कहता हूं, हाँ बिल्कुल, और इसलिए लोग नाराज भी होते हैं, और जो संप्रदाय को मानने वाले हैं ना जातिवाद को, वो तो कहते हैं कि ये तो यानी क्या बोलते हैं, क्या बताऊं आपको, पहले कहा करते थे तो सरकारी महात्मा है, कहा करते थे फिर कांग्रेस सरकार इसको जो है वो तो देती है अनेक प्रकार। लेकिन मैं जब से अनुभव किया कि ये महान अन्याय, किसी मनुष्य को जन्म जात उसको नीच बना दो तुम और खड़े होने के लिए अवसर ही न दो, इतने दुख की बात है। वो सोच भी न सके कि भाई हम भी मनुष्य सभ्य बन सकते हैं, इतने आश्चर्य की बात है। और ऐसा किया है शताब्दियों से, हम करते आज भी कर रहे हैं भारत में, आज नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, अभी चल रहा है, एक संप्रदाय भी जीवित है जिसकी यही मान्यता है। हालांकि हमें तो लगभग अब तो 40 वर्ष हो गए इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, 40 वर्ष पूरा हमने किए, बहुत दुख। हमारे जहां विद्यालय है, जहां आश्रम है, हमारे यहां कोई जाति नहीं मिलेगा, सब आते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी से पूछते नहीं तुम किस जाति को, कभी किसी ने नहीं पूछा ना। जो अपने आप को विकसित कर सके बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ विद्यालय में चाहे वो हरिजन का लड़का रहा हो, चाहे मुसलमान का, चाहे किसी का रहा हो, ज्योति जी अपने हाथ से सबको नहलाती थी, धुलाती थी, उनके बाल उतारते थे, जुए उतारते थे, उनको कंघियां करती थी, तो बैठी हुई चमारों के लड़के, मुसलमानों के लड़के, हरिजनों भंगियों के लड़के, और सब एक पंक्ति में बैठ कर वहां भोजन करते थे, सब खाते थे, आराम से रहते, कभी किसी ने पूछा तुमको, बिल्कुल हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं इस विषय। और सब वेद पाठ करते हैं, वेद के मंत्र का यानी उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भारत में एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, हमारे पास इतने साधन नहीं, जितना हम काम करना चाहते थे हम नहीं कर सके साधन के अभाव में, लेकिन फिर भी विचारों का प्रचार तो बहुत हुआ है और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, इसमें कई काम ऐसे हुए हैं जो कि मैंने स्वयं इसको उठाया, और बाद में जो हमारा पहले विरोध करते रहे वही बाद में हमारे पीछे पीछे लगे हो, मुझे कहा कि हो इसको तो ये बात काम करता है इसलिए जनता सारा इसको प्यार देती है, जहां जाता हूं हजारों आदमी इसके पीछे इकट्ठा हो जाते हैं, तो लोग वही अपना आप करने लगे। जब लोगों ने उससे कहा कि भाई कल तक तो आप बावरा जी का विरोध करते थे, आप यही क्यों करने लगे, कहा भाई ये तो जीव की मांग है, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। खैर चलो प्रार्थना करो, समय बहुत हो गया है। ये तो चातुर्वर्ण में असिष्टम गुण कर्म विभाग, ये श्लोक जो गीता का है बहुत ही महत्व का है, वेद के मंत्रों से कल मैं और इस पर विचार दूंगा आप लोगों को। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब खड़े हो जाओ आरती करो। हाँ आरती कर लो, फिर प्रश्न पूछ लेना।